मोर एजुकेशन और नए नए जो बाहर से आए हुए पद्धतियों को सिखाना पड़ेगा, इसलिए नई शिक्षा नीति में 2020 नए शिक्षा नीति में जो रोजगार उन्मुख नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आज शिक्षकों की योगदान और इसमें उनकी रोल जो है काफ़ी मजबूती होती है, नैतिक मूल्य और बढ़ाना पड़ेगा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा ही एक बहुत बड़ी माध्यम है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट ही बहुत बड़ी माध्यम है। तो इसलिए पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रयास करके इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं भी जो है स्किल डेवलपमेंट को काफ़ी बढ़ावा देने के लिए और जो वोकेशनल कोर्सेस है सारे वोकेशनल कोर्सेज को ये करना और वैसे ही महिलाओं को भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं को आगे बढ़ाकर और शिक्षा नैतिक मूल्यों को बनाना, इतना ही मैं कहता हूँ। जेड़े टीचर आए साढ़े समाज के उसरइए है, साढ़े समाज की जी आने वाली पीढ़ी है उन्होंने जे घट सकते हैं, उन्होंने तरास सकते हैं, उन्होंने उन्होंने हीरियां की जी कदर पै सकती है वो टीचर आ उन्होंने सब तो वड्डा योगदान, चाहे वह टीचर सरकारी स्कूल पढ़ाता हो, चाहे प्राइवेट स्कूल पढ़ाता हो, चाहे किसी तरह भी शिक्षा दे रहे हैं, उसका जिहड़ा बहुत वड्डा योगदान है। अज साडे समाज दे विच भ्रष्टाचार बहुत वध्या होया, बहुत सारियां गिरावटां साडे सिस्टम दे विच आ रही हैं। सो ये सारियां दूर तां ही हो सकती है जिहड़ी साडी एजुकेशन है इहदे विच मॉरल वैल्यू जिहड़ी हैगी है, पढ़िया लिखिया बंदा वो घट्टो घट्ट इंसान होवे, इहो जी शिक्षा की लोड़ है। उहदे विच जिहड़े वधिया टीचर आ जिहड़े अपने आप नूं समर्पित भावना दे नाल समाज नूं साडे मुल्क नूं उसारना चाहुंदे आ उही भर सकदे आ। अज बहुत वड्डी लोड़ है जे गिरावटां साडे समाज दे विच टीचर दे करके आ जां साडे सिस्टम दे करके आ कि उहनां नूं असीं समाज दे विच वधिया एजुकेशन नहीं दे सके। जे भारत नूं अगे लिजाणा, साडे मुल्क नूं अगे लिजाणा, तो फिर जिहड़े वधिया टीचर आ उहनां नूं सन्मान देना पऊगा, सत्कार देना पऊगा, जिहड़ियां भी संस्थावां वधिया करदे आ। जिहड़ा कोई भी कोई ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ SDM ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ DC ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1976 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਤਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 1974 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ। ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100% ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ।
हर वे आवाज उठाने अभी लाने भी साढ़े को तीन नर्सरिया पांच सात लाख बूटा अभी आप लाने बाकी जरा है दूसरे वास्ते कहने के तुसी भी सारे करो क्योंकि जी है इस वे जरा किसानी का बहुत मंदा हाल है किसान सुसाइड कर रहे हैं जी है सरकार जी है सुहिरदता के नाल किसानों की गल सुननी चाहिए है किसानों दिन जिन्हें भी मसले है हल करने चाहिए। प्राइवेट स्कूलों के एसोसीएशन के पढ़ रहे बच्चे तो पढ़ाते टीचर वास्ते अज एक नवेकली शुरुआत की गई है फैप अवार्ड शुरू किए गए हैं हालांकि यह सरकार जिम्मेवार ने परंतु चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के उपराले अज यह फैप अवार्ड दते गए हैं जो कि जिन्हें बेस्ट सर्विस है ब्रिलियंट सर्विस है मेरे नाल गलबात करने वास्ते चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधु मौजूद ने। सर अज बहुत वड्डा दिन सीगा जी गवर्नर बुलाए ने तुसी दत्तात्रेय बंदारू जी तो होर डिग्निटरी बुलाए ने शिक्षा जगत जुड़े हुए की पहले तो यह दस दो कि प्रोग्राम की सीगा ये जी पंजाब स्कूल फैडरेशन वालों एक पहलकदमी की गई है कि जेडे भी स्कूल प्राइवेट सैक्टर के है उन्होंने अलग अलग वर्गों के कैटेगरी के श्रेणियों के अवार्ड दिए जाए तो वह अवार्ड सैरेमनी की गई है जिस दे हरियाणा के गवर्नर जोड़े ने उन्होंने शिरकत की इस अलावा होर विद्वान लोग जोड़े है नामी हस्तियाँ इस शमूलीयत उन्होंने की है। संधू साहब किन्ने बच्चे ने हिस्सा लिया कंपीट किया किन्ने जो तुम आउट ऑफ नंबर कटे है ये बच्चों के अवार्ड नहीं है जी बेसिकली इस स्कूलों के अवार्ड ने प्रिंसीपल्स के अवार्ड ने अध्यापकों के अवार्ड ने इस बच्चों की श्रेणी नहीं है ये बेसिकली जिहड़े स्टेट अवार्ड जिवें अध्यापक दे वास्ते सरकार दिंदी है लेकिन सरकारी स्कूलों तो अलावा जिहड़े प्राइवेट स्कूल उन्होंने वास्ते व्यवस्था नहीं सी ये फैडरेशन ने उपराला किया कि प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों वास्ते उन्होंने प्रिंसीपल वास्ते प्रबंधकों वास्ते अवार्ड दिए जाए और एक विलक्षण तरह की पहलकदमी है। किन्ने कॉलेज लते जी ये नहीं स्कूल ने पंजाब दे विच कोई 7,000-8,000 स्कूल ये फैडरेशन का मैंबर हैगा इन्होंने जुड़िया होया उन्हें सारे ने ये भाग लिया है लेकिन जोड़े अवार्ड ने वो तो थोड़े लोगों ने मिलने जी। किस कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी ने जिवें दस्या कि जिन्होंने वातावरण की संभाल वास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर वास्ते क्वालिटी एजुकेशन वास्ते टैक्नोलॉजी वास्ते अलग अलग ये हर साल होया करेंगे हर साल होया करेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो इस चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधु जिन्होंने दस्या है कि प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर है प्रिंसीपल है उन्होंने वास्ते अवार्ड शुरू किए गए हैं अलग अलग श्रेणी के अवार्ड ने तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब ये स्कूल हैगा जिन्होंने ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। कैमरामैन सोनी के नाल सुशील गर्चा दैनिक सवेरा कड़ौवा। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं परेशानी जिवें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत जां नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ भावें 699 होवे जां लोटो मैक्स 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो तो हड्डी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवें चाहोगे ओवें होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण अते मुठकरनी लव मैरिज सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनपन जा दुटोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ रुसे नू मनाओ हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।